हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एसटी लाइन्स के बारे में। एसटी लाइन का फंक्शन क्या है और वो कहाँ पे जो है ना एडिट किया जाता है, और जो है ना एसटी लाइन में कौन सा कंडक्टर यूज किया जाता है, और एसटी लाइन का स्पैन कितना रहेगा, और एसटी लाइन में कौन से इंसुलेटर्स यूज किया जाता है, सभी चीज के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो गाइस, वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपके सारे इलेक्ट्रिकल फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो गाइस, बिना रुके आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। गाइस, अब हम देखेंगे एसटी लाइन्स के बारे में। एसटी लाइन का फुल फॉर्म है हाई टेंशन लाइन्स। ये लाइन जो है ना 11 केवी वोल्टेज कैरी करेगा। अब हम देखेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसटी लाइन्स। एसटी लाइन्स जो है ना क्यू एरेड किया जाता है। जो सबस्टेशन में वोल्टेज आएगा, स्टेप डाउन वोल्टेज आएगा ना 11 केवी, उसको डीटीआर स्ट्रक्चर तक पहुंचाने के लिए जो है ना एसटी लाइन्स यूज किया जाता है। तो गाइस, सबस्टेशन का फंक्शन है, जो ट्रांसमिशन लाइन से वोल्टेज आएगा सपोज 110 केवी, उसको स्टेप डाउन करेगा 11 केवी, फिर जो 11 के वोल्टेज आएगा ना उसको डीटीआर स्ट्रक्चर तक पहुंचाने के लिए जो है ना एसटी लाइन यूज किया जाता है। तो गाइस, ये रहा पर्पस ऑफ यूजिंग एसटी लाइन। अब हम देखेंगे एसटी लाइन जो है ना कहाँ पे एरेट किया जाता है। एसटी लाइन जो है ना मेन रोड्स पर ही एरेट किया जाता है, स्ट्रीट्स गली में एसटी लाइन एरेट नहीं किया जाता, सिर्फ मेन रोड्स पर ही जो है ना एसटी लाइन एरेट किया जाता है। तो गाइस, ये रहा एरेक्शन के बारे में। अब हम देखेंगे स्पैन। स्पैन देखेंगे एसटी लाइन में। स्पैन बोले तो डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स जो है ना उसे स्पैन कहा जाता है। एसटी लाइन में एवरेज स्पैन रहेगा 85 मीटर्स। अब हम देखेंगे कौन सा कंडक्टर जो है ना एसटी लाइन्स में यूज किया जाता है। एसटी लाइन में जो है ना रैबिट कंडक्टर यूज किया जाता है, और उसका साइज रहेगा 6x1x3.35 mm। 6 बोले तो जो एसएसआर कंडक्टर यूज किया जाता है ना, वो एल्यूमिनियम से और स्टील से बनाया जाता है। जो आउटर स्ट्रंट्स रहेंगे ना, कंडक्टर कैसे बनाया जाता है, स्ट्रंट्स से बनाया जाता है, नंबर ऑफ स्ट्रंट्स से। जो आउटर के स्ट्रंट्स रहेंगे ना वो एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, और बीच इनर के स्ट्रंट्स रहेंगे ना वो स्टील से बनाया जाता है। जो आउटर के स्टंट्स है ना एसटी लाइन में यूज किया जाता है ना कंडक्टर, उसमें आउटर स्टंट्स रहेंगे 6, और इनर का स्टील का स्टंट रहेगा 1, और सभी स्टंट्स के डायमीटर रहेंगे 3.35 mm। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो गाइस, ये रहा कंडक्टर के बारे में। अब हम देखेंगे इंसुलेटर्स के बारे में, कौन से इंसुलेटर जो है ना एसटी लाइन में यूज किया जाता है। एसटी लाइन में जो है ना पिन इंसुलेटर एंड डिस्क इंसुलेटर यूज किया जाता है। पिन इंसुलेटर जो है ना स्टार्टिंग एंड एंड एंकरिंग पोल छोड़कर जो है ना हर जगह पिन इंसुलेटर यूज किया जाता है। रही बात डिस्क इंसुलेटर्स की, हम बात करेंगे डिस्क इंसुलेटर जो है ना स्टार्टिंग पोल, एंकरिंग पोल एंड डेड एंड पोल में यूज किया जाता है। तो गाइस, ये रहा इंसुलेटर्स के बारे में। अब हम देखेंगे पोल्स के बारे में, कौन से पोल जो है ना एसटी लाइन में यूज किया जाता है। एसटी लाइन में जो है ना पीसीसी पोल एंड आरसीसी पोल यूज किया जाता है। आरसीसी पोल जो है ना वो पोल जो है ना स्टार्टिंग में, एंकरिंग में और एंड में जो है ना आरसीसी पोल यूज किया जाता है। रही बात पीसीसी की, हम बात करेंगे स्टार्टिंग एंड एंड एंकरिंग छोड़कर हर जगह जो है ना पीसीसी पोल यूज किया जाता है। तो गाइस, ये रहा पोल्स के बारे में। तो गाइस, ये रहा थोड़े इन्फॉर्मेशन अबाउट एसटी लाइन्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।